अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से चल रही है। सुस्वागतम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। हाँ हाँ, मालूम है, बहुत दिन हो गए है ना, अनेक दिन हो गए। तो आज के निये नतून वीडियो, नतून बोलते किछु दिन आगे गेछिलाम, एकदम फ्रेश फ्रेश। हमें गेछिलाम 6 अक्टोबर और फिरेछि हमें 11 अक्टोबर। तो 6 अक्टोबर हमें 9টায় বর্ধমানের ট্রেন ছিল, পৌঁছে গেছি প্রায় 7:45 বারাণসী। বারাণসী, কাশী, বেনারস, কুছ ভি কে সকতে হ্যায়। তো হম পৌঁছ গে, হোটেল বগেরা খুদ হি ঠিক কিয়া। তো আগলে দিন হম গে বিশ্বনাথ মন্দির। তো ওয়াহা কুছ থা, মতলব উস দিন কুছ রায় বগেরা নিকলনা থা, তো বহুত পুলিশ বগেরা থে, বহুত রিপোর্টারস থে, আপস মে হ্যান্ডশেক কর রহে থে। ইয়ে দোনো রিপোর্টার জো অলগ অলগ হ্যায়, অলগ অলগ চ্যানেলস কে হ্যায়। तो पुलिस वगैरह बहुत थे, तो हम लोगों ने सुबह सुबह पूजा वगैरह दे दिया, सकाल सकाल पूजा दिए। कोनो राय बेरोनो कथा छिलो, कारण मंदिर चत्वर मध्य एक मस्जिद आछे, तो प्रॉब्लम जाते ना हय, बड़ो रड दिए घेरा आछे देखते ही पाच्छेन। मंदिर के एरिया में मस्जिद था, मंदिर के एरिया बहुत बड़ा है, तो कोई चक्कर था मुझे नहीं पता, रड वगैरह से घिरा हुआ था। तो हम लोग फ़ोटो खींचने वाले थे, तो अंदर फ़ोटो खींचने नहीं दिया गया, लेकिन साइट से जाकर मतलब एक जगह था जहाँ मतलब हम लोग फ़ोटो खींच सकते हैं। तो हम लोग गए, तो खींचते खींचते जा रहे, तब मना कर रहे थे कि नहीं नहीं यहाँ मत खींचो। तब भी मैंने उससे पहले खींच लिया था। वो देखिए, वो एक मंदिर है जहाँ घुसना मना है। तो आगे जाके जहाँ दिख रहा है वहाँ हम जाएंगे, और मंदिर का मेन जगह नहीं खींच पाएंगे फ़ोटो, लेकिन बाहर, ये बाहर का हिस्सा है बोल सकते हैं। अब मैं नहीं समझा सकती, आप जब तक नहीं जाएंगे, जब तक उन्हें अपना जाबेन मुझे तो पढ़ो ना। ওই যে সামনে ছাতা লাগানো আছে ওখানটা মেন মন্দিরটা, তার রাস্তাটা অন্য দিক দিয়ে আর কি, এদিক দিয়ে যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে যে দেখতে পাচ্ছেন গোল করে মাথার উপরে ব্যালকনি টাইপের, ও নিচ দিয়ে গিয়ে গঙ্গা, মানে ওদিকটা গঙ্গা, মানে এটা গঙ্গার একটা ঘাট বলতে পারেন, মানে অনেকগুলো ঘাট আছে, এটা একটা ঘাট। তো আমরা এদিক দিয়ে আর যাইনি, অন্য দিক দিয়ে গেছিলাম ঘাটে। এই যে এই ঘাটটা যাওয়া যায়। তো বাইরে আমার ভাই দাঁড়িয়েছিল, ব্যাগপত্র নিয়ে, মানে আবার জুতো খুলতে হবে, জুতো নিয়ে ঢোকা যাবে না। তো আমাদের পুজো দেওয়া হয়ে গেছিলো, আবার জুতো কোথাও রাখা মানে আবার এক্সট্রা খরচা বলতেই পারেন, সবাই নিজেরটা ভাবে। তো তো যাই হোক, ওই যে ভেতরে মন্দির দেখা যাচ্ছে গোল্ডেন গোল্ডেন টাইপের, আর ওই যে মসজিদ দেখাচ্ছে ওখান দিয়ে আমি পেরিয়ে আসলাম। এই যে পিছনটা দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে আসল মন্দির, ওর ভেতরটা অনেক বড় চত্বর। ये मेन रास्ता जहाँ हम फिर वापस आ गए, ये रास्ता कुछ करीब करीब अमृतसर गए थे उस तरह का है, मतलब बिल्डिंग्स नहीं जो नीचे के हैं, ये जो स्टाइल है थोड़ा बहुत अमृतसर से मिलता है, मतलब करा है, जैसे नीचे वाला जो है वो थोड़ा कॉन्क्रीट टाइप का है, वैसे ही अमृतसर में है, और करीब करीब पेंट भी वैसे ही है। देखिए पास की दीवार का, अगर अमृतसर वाला वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये जो बोर्ड टंगे हुए हैं कि कहाँ ज़्यादातर वापस सिल्क साड़ी बेचते हैं, मतलब बनारसी जिसको बोलते हैं, सिल्क के ऊपर बनारसी नॉर्मल भी थे। ये है कचौड़ी चाट, कचौड़ी तो खाया होगा आपने, तो उसका चाट है ये। ये मंदिर का और एक गेट है जैसे जा सकते हैं, अन्नपूर्णा देवी, मतलब अन्नपूर्णा मंदिर भी है। तो वहाँ का भोग इतना अच्छा था, हमने 2 दिन खाए और एकदम निःशुल्क, मतलब क्या क्या था, করলার তরকারি, চাল কুমড়োর সবজি, ডাল, যে সাম্বার বলছিলো কারি, তারপরে ইডলি ধোসার সঙ্গে যে চাটনিটা দেয় সাদা রঙের ওইটা, তারপরে লাড্ডু, টক দই, আরেকদিন দিয়েছিলো রায়তা, ভেন্ডি দিয়েছিল সেদিনকে, আরেকদিনকে রায়তাটা মানে খুব সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি দারুণ খেতে লাগছিলো, পাঁপড় ছিল, মানে ভাতের সঙ্গে এত কিছু মানে ভাবা যায় না,
चावल के साथ बहुत कुछ था, करी, इडली डोसा का चटनी, लड्डू, भिंडी की सब्ज़ी और एक अलग से सब्ज़ी थी, रायता था, बहुत कुछ था, दाल भी थी, सांभर बोल रही थी इसको। 10 अश्वमेध घाट जहाँ का चित्र आप देख रहे हैं, तो यही सबसे अच्छी आरती होती है मतलब सबके हिसाब से। और यहाँ से ही हम लोगों ने 22 घाट हम लोग घूमे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।